हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपसे डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये 10th क्लास का है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रखा होगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल्स में हम पढ़ेंगे किसी एक वेरिएबल या एक चर के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें पद बहुत से होंगे। जैसे कहा जाए x प्लस टू, ये एक बहुपद है, पर इसमें पद कितने हैं? दो। तो ये द्विपदीय आपका बहुपद है, ठीक है। पॉलिनोमियल में मेन आपके ये आपका दो पदी है, इसी तरह आपका एक पदी आता है, और इसी तरह आपका त्रिपदी भी आता है, जिसको हम ट्राइनोमियल भी कहेंगे, ठीक है। ये त्रिपदी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, या इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप एक्स प्लस टू, ये आपका पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम इसमें ध्यान क्या देंगे कि यहाँ पे जो एक्स है उसकी पावर क्या है। उसकी पावर जितनी होगी हम कहेंगे उस पॉलिनोमियल की उतनी ही डिग्री होगी। जैसे x प्लस टू में कहा जाए ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो हम ये कहेंगे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सॉरी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। यहां पे हम क्या देखेंगे, डिग्री का मतलब x की पावर यहां पे कितनी है। x की पावर जितनी होगी वही उसकी डिग्री होगी, ठीक है। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री के लिए x की मैक्सिमम पावर को हम देखेंगे। x की मैक्सिमम पावर इसमें जितनी होगी उतनी ही इसकी डिग्री कहलाएगी। इस वाले में अगर देखा जाए इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसी तरह एक इक्वेशन अगर दी है x³ + 5x² + 2x - 3, तो अगर इस इक्वेशन की डिग्री पूछी जाएगी तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक। अब इस वाले में x प्लस टू में 1 डिग्री है, x² + 2x + 3 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और x³ + 5x² + 2x - 3 ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4। तो ये 4 पदी पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पॉलिनोमियल में होना क्या चाहिए, हम किसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, x की घात पर ध्यान देंगे। x की घात क्या होनी चाहिए, x की पावर हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर ना होने का मतलब जैसे हमने कहा x²- 2x² या x + 3, तो पूछा जाए क्या ये आपका एक पॉलिनोमियल है, तो ये आपका कोई पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे x की पावर -2 दिया है, तो ये आपका एक होल नंबर नहीं है पावर में, तो ये आपका क्या नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है।
ठीक है। इसी तरह अगर दिया है अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, ये पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहां अगर इसको हम सही तरीके से लिखें तो इसका मतलब हुआ x की पावर 1 बाई टू प्लस थ्री, ये भी x की पावर 1 बाई टू, अंडर रूट x का मतलब है x की पावर 1 बाई टू। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है या पूर्णांक नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे कुछ चीजें दी होंगी, पूछेगा कि बताइए, कुछ इक्वेशन दी होंगी, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम x की पावर पे ध्यान देंगे। x की पावर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे ये होल नंबर भी है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। वहीं पे पूछा जाए अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको अपॉन में कंडीशन दी हुई है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जिस पॉलिनोमियल की पावर 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये आपका दिया है x प्लस टू, इसकी पावर 1 है, या x इसकी भी पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे। इसी के बारे में आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे चैप्टर में आप इसमें पढ़ेंगे, मतलब मेनली आपको पढ़ना क्या है, इस क्वाड्रेटिक के बारे में एक्सप्लेन में आपको पढ़ना है, कंप्लीट फाइंड करना है। तो देखिए, पहले तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपको मान लिया दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, और ये x की पावर यहाँ पे क्या है, 2, तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, और इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे a, b, c क्या है, a, b, c ये आपके क्या है, वेरिएबल है, या हम कह सकते हैं ये आपके कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी आपका यहाँ पे नंबर हो सकता है। तो ये आपका क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही हम बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है एक जीरोस। जीरोस क्या होता है, तो जीरोस के बारे में जानते हैं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, मान लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमने एक मान लिया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। पूछा जाएगा इसके जीरोस क्या होंगे, तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वे नंबर्स होते हैं, या हम कहें वे नंबर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि एक्स की ऐसी वैल्यू हम इसमें पुटअप करें कि ये वैल्यू हमारी क्या आ जाए, इसमें वैल्यू पुटअप करने पर इसका आंसर हमको क्या मिल जाए, जीरो। अगर हमको जीरो मिलता है, या जिस नंबर पे हमको जीरो मिलता है उसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस कहेंगे, ठीक है।
तो हम देखते हैं पहले हम क्या निकालेंगे, मान लेते हैं जैसे ये इक्वेशन आपको दी है, अब हमको फाइंड करना है कि इसमें किस नंबर पे ये इक्वेशन जीरो होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसके फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे, फैक्टर्स आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे लास्ट वाला नंबर देखते हैं 4, तो 4 के फैक्टर्स हमको करना होगा। 4 के फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, 4 के फैक्टर्स 4 × 3 या 4 × 1 इज इक्वल टू 4 आएगा, है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब हमको एक चीज़ और भी देखनी, यहाँ माइनस 4 लाना है। क्या लाना है, माइनस का 4। तो माइनस 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो माइनस 4 लाने के लिए 4 और 1 की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 आता है, बट हमको लाना क्या है, माइनस 4। तो माइनस 4 लाने के लिए हम क्या देखेंगे, या तो 4 हमारा माइनस का हो या फिर माइनस का 1 हो, कोई एक इस दोनों में से होना क्या चाहिए, माइनस का। तो अब माइनस का होना चाहिए पर कौन सा होना चाहिए ये डिसाइड नहीं, तो हम क्या देखेंगे, हम इसको देखेंगे। यहां हमको क्या लाना है, माइनस का 3। तो माइनस 3 कैसे आएगा, अगर हम माइनस 4 में से प्लस 1 करते हैं तब हमारा आता है माइनस का 3। इसका मतलब 4 हमारा माइनस का होगा और 1 हमारा प्लस का होगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिखेंगे क्या, 4 या फिर 4 − 1। अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तभी हमारा 3 आएगा, इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमको लाना क्या है, 0 लाना है। क्यों 0 लाना है, क्योंकि हमको जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज अभी हमने बताया क्या होने चाहिए, जीरोज वो नंबर होने चाहिए जिसकी वैल्यू हम रखेंगे और हमको 0 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, x। तो x हमने कॉमन लिया, तो यहां बचा x माइनस 4 प्लस, यहां पे हम क्या कॉमन लेंगे, 1। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x माइनस 4 कॉमन दोनों में है, तो जब x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे हमको दो वैल्यूज, या तो हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे हमको दो वैल्यूज मिलेगी, या तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4, या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये वैल्यूज क्या बता रही हैं, ये वैल्यूज जो आई हैं, ये वैल्यूज इस जो शुरुआत की इक्वेशन में था इसमें रखने पर हमको ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। रखिए, जैसे हमने कहा ये x की वैल्यू 4 आई, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा माइनस 3 × 4 होगा, माइनस 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 12 और माइनस 4 तो 16 और माइनस 16 तो ये आपका कितना आ गया, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 पे ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का फर्स्ट जीरोज हमारा 4 होगा, सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू अब इस इक्वेशन में रख के देखेंगे, क्या माइनस 1 रख के देखते हैं क्या ये हमारा 0 आता है, तो हम रखते हैं देखते हैं क्या आता है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया।
इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये क्या है, जीरोज हैं किस इक्वेशन के, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के, ये जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये मतलब हुआ ये जीरोज होते हैं किसी भी इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी है, यहाँ पे आपकी वैल्यू अगर 2 है, पावर अगर 2 है, तो यहाँ पे आपके जीरोज भी कितने आएंगे, वो भी 2 ही आएंगे। तो जीरोज की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जीरोज की बात आ गई। अब और भी क्वेश्चन देखते हैं जीरोज फाइंड करने वाले। जैसे हमको कई क्वेश्चन दिए होंगे, पूछेगा फाइंड द जीरोज, तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन जीरोस के लगा के देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, एक्स 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पूछेगा फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए वही तरीका आप फिर से इसमें लगाएंगे, जैसे आपको दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे आपको 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 6 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 आया है, और यहां हमको लाना क्या है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब प्लस का 12 होगा। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज और देखेंगे, यहां हमको लाना क्या है, माइनस का 8x। तो अब 12 कैसे कैसे आ सकता है, 12 हमारा 12 इंटू 1 करने पर भी 12 आएगा, 2 इंटू 6 करने पर भी हमारा 12 आएगा, या फिर 3 × 4 करने पर भी हमारा 12 आएगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, हमको लाना क्या है, प्लस का ही 12 आएगा, ये आएगा। देखो प्लस का 12 लाने के लिए या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस प्लस तो आपका प्लस रहता ही है। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज समझ में आ रही है, 12 लाना है हमको प्लस का, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस के हो, तभी हमारा 12 आएगा। पर अब हमको एक चीज यहां भी देखनी, यहां पे क्या देखना है, यहां पे हमको देखना है माइनस का 8 है, माइनस 8 कैसे आएगा, ये दो नंबर जो है इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए। तो क्या ऐड करने पर 12 और 1 ऐड करेंगे तो आएगा 13 और माइनस करेंगे तो आएगा 11, तो 8 तो हमारा इससे तो नहीं आ रहा है, इससे हमारा 8 नहीं आएगा। यहां देखो 2 और 6 दोनों अगर ऐड कर रहे हैं तो आएगा 8, और हमको 8 ही लेके आना है, बट एक चीज और लाना क्या है, माइनस का 8। तो अगर दोनों प्लस के हैं तो ऐड करेंगे तो आएगा प्लस का 8, अगर दोनों माइनस के होते तो हमारा माइनस का 8 आता, और दोनों माइनस की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा प्लस का क्या आ जाएगा, 12। वही तो हमको लेके आना है, हमको प्लस का 12 लाना है और माइनस का 8 लाना। इसका मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, तो 2x² माइनस, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, 8 को लिखने का तरीका हम सीधे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2, क्योंकि यहां पे हमको क्या दिख रहा था, 6 प्लस 2, तो हम यहां डायरेक्ट भी 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर आप -2 और -6 ये माइनस ब्रैकेट ना लगा के इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस का 6x और माइनस का 2x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दोनों तरीके आपके सही हैं, आप ये भी लिख सकते हो 2x² माइनस 6 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा।
अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इन दोनों में आपको 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लेने पर क्या आएगा, x माइनस 3 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस 2 कॉमन लेने पर आपको क्या मिल रहा है, x माइनस 3। ठीक है, तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन, और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन लेने पर हमारा क्या आएगा, x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, एक फैक्टर इसका आ गया 3, या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, देखिए अब क्वाड्रेटिक में कुछ फार्मूलेज हैं जिनके जिनका यूज करके हम क्या निकालेंगे, सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब ये हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस का मतलब है जो भी आपके जीरोस आए हैं या हमको जो फाइंड करना है, जैसे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ लिया जाए फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, ये पूछा जाए। तो अब इसके फार्मूले होते हैं, इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो सम ऑफ द जीरोस का मतलब इज इक्वल टू क्या होगा। अब पहले एक चीज और भी जान लीजिए कि कोफिशियंट क्या होता है। जैसे हमने कहा, पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में नंबर लगा होगा वही आपका कोफिशियंट होगा। जैसे यहां क्या है, 2 लगा है, तो ये आपका क्या है, कोफिशियंट, हिंदी में कहेंगे गुणांक, हिंदी में क्या कहेंगे, गुणांक। पूछा जाए x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ में क्या लगा है, माइनस का 8, तो ये जो माइनस 8 है इसी को हम गुणांक कहेंगे, इसी को x का गुणांक कहेंगे, कोफिशियंट ऑफ x कहा जाए तो माइनस 8 होगा, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर कहा जाए तो वो क्या होगा, 2 होगा, प्लस का 2। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x एंड अपॉन में क्या आएगा, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, सम ऑफ द जीरोज का ये फार्मूला होगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज। जैसे यहां क्या दिया है, सम ऑफ द क्या पूछा है, कोफिशियंट ऑफ x, तो कोफिशियंट ऑफ x यहां पे क्या है, माइनस का 8, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, माइनस 8। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 2,
तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह हम 2 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ दी जीरोज मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज आपका क्या होगा, इसका फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये 6 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है सम ऑफ दी जीरोज क्या होगा और कोफिशियंट ऑफ दी जीरोज क्या होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दे तो देखिए, जैसे हमने कहा एक इक्वेशन लिखी 3x² - 6x + 8 = 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे पूछेगा फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो आप डायरेक्ट वही फार्मूले यूज करेंगे, कौन से फार्मूले जो अभी हमने बताए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्सिस। यही फार्मूले आप यूज करेंगे, तो सम ऑफ दी जीरोज माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स यहां पे क्या दिख रहा है आपको, -6। ये माइनस अगर यहां माइनस लगा है तो आप माइनस भी यूज करेंगे, तो यहां आपका क्या दिया है -6, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे -6 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 3, तो यहां आप यूज करेंगे 3। अब यहां माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6/3, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 2। तो ये आपका आ गया सम ऑफ दी जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज अगर पूछा जाए तो प्रोडक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म यहां क्या है आपका 8, तो कांस्टेंट टर्म आपका आ जाएगा 8 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 3, 8/3 ये आपका क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके सम ऑफ दी जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दिया हो, जैसे इसी फॉर्म जैसे यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखना हो तो हम ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ही लिखते हैं। ए बी सी यहाँ पे क्या होते हैं कांस्टेंट, जैसे 8, 6, 3 ये आपके कांस्टेंट है तो वो ए बी सी की जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बताया, ये जीरोज है तो जीरोस को हम रूट्स भी कहेंगे। जैसे ये इक्वेशन है इसके हम रूट्स अगर कहें तो मान लेते हैं जीरोस या फिर रूट्स, तो हम क्या कहेंगे रूट्स
ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रूट्स हम क्या मान लेंगे, वो मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो लेट मान लेते हैं, लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स हैं, इनको हम जीरोस भी कहें, या तो जीरोस कहें या रूट्स कहें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा एंड बीटा, जीरोस और रूट्स दोनों एक ही चीज है। तो अब जैसे लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा है, हमने क्या मान लिया, जीरोस की जगह क्या आ गए, अल्फा बीटा रूट्स आ गए। तो अल्फा बीटा जब रूट्स है तो सम ऑफ द जीरोस की जगह अब क्या जाएगा, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब क्या, ऐड करना, सम का मतलब ऐड करना, उसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा हमारे क्या है, ये रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए यहां पे हम ध्यान देंगे, यहां हमने क्या लिखा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम किस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, इस इक्वेशन को लेके चल रहे, इस इक्वेशन के ही रूट्स हमने क्या माने हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के ही हमारे कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, फिर देखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, बी, और वो भी पॉजिटिव बी, तो बी ही लिखेंगे, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको कितना दिख रहा है, ए, तो यहाँ पे आएगा ए, ये आपका क्या बन गया, सम ऑफ द रूट्स का एक फार्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा, जिसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। टू रूट्स क्या होंगे, रूट्स का मतलब जीरोज, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज वो वैल्यूज होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब कि ऐसी वैल्यूज जिनको पुटअप करने पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, गुणा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अब कांस्टेंट टर्म, यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा जिसमें एक्स ना हो, तो एक्स नहीं है, वो है सी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी यहां पे क्या है, ए। तो ये आपका क्या बन गया, ये दो आपके फार्मूले बन गए, ये क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये आपका मेनली इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान देना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फार्मूलों पे, क्योंकि ये बेसिक है, अगर यही नहीं आएगा तो आगे की चीजें भी समझ में नहीं आने वाली। अब देखिए, अब इसके बाद कभी कभी पूछ लेता है रिलेशन क्या है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो रिलेशन देखिए, रिलेशन बेसिकली रिलेशन आपका यही है, जीरोज और कोफिशियंट ऑफ एक्स या कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन आपका क्या है, ये। तो इसको हम, आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, आप अपनी कॉपी में क्या नोट करेंगे, पहली चीज तो ये फार्मूले, दूसरा ये दोनों फार्मूले आप यूज करेंगे, इनको नोट करना है आपको कॉपी में, तीसरा आप हेडिंग डाल के लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पूछा जाए
इन दोनों में क्या रिलेशन? तो मेनली आपका रिलेशन क्या है, ये रिलेशन, ये आपको रिलेशन दिया है। अब इसके आगे और भी बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूं, क्वेश्चन है एक पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई